बावड़ापुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक में एक ड्राइवर की लाश मिली है। ट्रक को ढकने के लिए ऊपरी हिस्से में लगी लकड़ी से मृतक ने लटक कर साफी से फांसी लगाई है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश को देखते ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक चंतु नामक व्यक्ति पर मृतक राजेंद्र शिवहरे की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में ट्रांसपोर्टर चंतु अपने कर्मचारी राजेंद्र का सामान फेंकता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज गायब है। उनका कहना है कि उसके साथ मारपीट करके उसे ट्रक के भीतर डंडाले से फांसी पर लटका कर मारा गया है और उसकी हत्या की गई है। इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं पुलिस ने इस मामले में कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, किसी ने कोई जानकारी नहीं जब फांसी लगी इसमें, जब पता पड़ी हमने नहीं किसी ने कोई जानकारी नहीं जब फांसी लगी इसमें जब पता पड़ी हमने देखा तो उनके चांटे लगे हुए हैं, बनियान पटी हुई है और कोई फांसी का कोई वो नहीं है। उन्हें किसी ने लगा के और उन्हें टांग दिया। कहाँ रहते हैं आप लोग? लक्ष्मीपुरम में। हाँ, पानी की टंकी के यहाँ। ये आरोप जो लगा रहे हैं वो सब पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगी। उसकी शरीर पर भी देखे गए तो डॉक्टर साहब के द्वारा देखे गए, मेरे द्वारा भी देखे गए, कोई ऐसे निशान नहीं है। अब जो फांसी लगाई गई है उसके संबंध में जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रक कौन का भी हुआ था दो मृतक के साथ मारपीट की गई है। अब ऐसा देखते हैं, जांच में जो आएगा उसको हम शामिल करेंगे। ट्रक किसका था?